हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों के शहादत दिवस पर जटाशंकर गुरुद्वारा से निकाला गया नमन शोभा यात्रा। भाजपा तथा हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने शोभा यात्रा का किया स्वागत। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ एवं नर्वो के तत्वाधान में आयोजित हुआ फिट इंडिया साइक्लोथान एवं नव स्थापित ओपन जिम का उद्घाटन जीएम रेलवे ने कहा, कोविड के बाद हमें फिटनेस पर देना होगा विशेष ध्यान। वर्ष के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से की मन की बात। नौका विहार पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपाई क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, मन की बात से प्रधानमंत्री करते हैं अपने विचारों को साझा। गोरखपुर में रविवार को मिले 24 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,877। अब तक 339 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 274 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। भोजपुरी संगम के तत्वाधान में साहित्यकार डॉक्टर रामेश्वर सिंह की चार भोजपुरी कृतियों का किया गया लोकार्पण। पुस्तक में उपयोगी सुझाव के साथ ही सदाचार और शिष्टाचार की आवश्यकता पर दिया गया है बल। और मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारियां। दूधिया रोशनी से नहाया गोरखनाथ मंदिर का मार्ग। सड़कें भी हो रही हैं चौड़ी। नागरिकों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार।